वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। हम बनाने वाले हैं पत्ता गोभी का रायता। सबसे पहले पत्ता गोभी हम काट लेंगे। इस तरह हम काट लेंगे और फिर इसको हम कद्दूकस से इसको घिस लेंगे। इसी तरह हम घिस के जितने भी पत्ता गोभी को है ना, हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। देखिए, हमने पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लिया है और अब हम इसको कुकर में डाल के उबाल लेंगे। में डालेंगे उसके साथ हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसमें नमक डालेंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए। आप चाहे तो इसको कुकर की जगह पतीला में भी उबाल सकते हैं। देखिए, ये पत्ता गोभी जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से उबल चुकी है, तो बस अब हम इसको थाली में ठंडा करने के लिए रख देते हैं। हमारी ठंडी हो चुकी है, अब इसमें हम एक कटोरी दही डालेंगे। फिर हम पत्ता गोभी में दही को डाल दिए हैं और मिक्स कर दिए हैं, और हम पहले नमक डाल चुके हैं तो स्वाद अनुसार हल्का सा नमक और ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद थोड़ा सा हरी मिर्च और अदरक हरी मिर्च और अदरक डाले हैं। थोड़ा सा अजवाइन डालते हैं और इसके साथ ही हम थोड़ा मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा हम सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो इसको तड़का के लिए सरसों डालेंगे, या तो सरसों या फिर थोड़ी सी इसमें कढ़ी पत्ता ऐड करते हैं। देखिए, इस तरह से हमने रायते में तड़का को लगा लिया है और हमारा जो रायता है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी लगती है पत्ता गोभी का रायता। देखिए, और रायता उनके तैयार हो चुके हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम धनिया पत्ता को डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट और अच्छी तरह बढ़ जाए। हरी सब्जी खाना नहीं चाहते अगर उनको इस तरह से रायता बना के खिलाइए तो बहुत ही पसंद करते हैं, बड़े भी। रायता जो है वो पूरी तरह से बन के हो चुकी है तैयार। बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। थैंक यू।